सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो भारतीय टीम का एक और दौरा, एक और सीरीज घोषित हो चुका है, जहां आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा। जी हां, साल 2023 में एक बार फिर से टीम इंडिया आयरलैंड का दौरा करने वाली है और आयरलैंड में जाकर आयरलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन T20 सीरीज खेलने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय टीम साल 2022 में भी आयरलैंड दौरे पर गई थी, तब भारतीय टीम ने 2 T20 मैचों की सीरीज खेली थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। लेकिन इस बार साल 2023 में एक बार फिर से टीम इंडिया आयरलैंड दौरे पर जाएगी और आयरलैंड के खिलाफ इस बार 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। जहां क्रिकेट यूरोप की रिपोर्ट्स के अनुसार आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से रिक्वेस्ट किया था यह सीरीज खेलने के लिए और BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यह सीरीज खेलने के लिए, यह दौरा करने के लिए मान भी गया है, जिससे आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को काफी फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, काफी पैसे बनेंगे इस सीरीज से। और BCCI आयरलैंड में भी क्रिकेट को काफी बढ़ावा देना चाहता है और इसी वजह से BCCI इस बार साल 2023 में आयरलैंड का दौरा करने वाला है, जहां 3 T20 मैचों की इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी मलहाइड में। अब इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच यह सीरीज अगस्त के महीने में खेली जाएगी, जहां क्रिकेट यूरोप की रिपोर्ट्स के अनुसार मिड ऑफ द अगस्त इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच ये 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी मलहाइड के डबलिन द विलेज क्रिकेट स्टेडियम में, जहां इस बार भी आयरलैंड के खिलाफ भारत की सेकंड स्ट्रेंथ टीम खेलने वाली है, जहां लास्ट बार हार्दिक पांडे की कप्तानी में भारत ने 2 T20 मैचों की सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेला था जून 2022 में और भारतीय टीम ने 2 के 2 ही T20 मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर लिया था 2-0 के अंतर से। जहां पहला T20 मैच भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता था तो दूसरा T20 मुकाबला भारतीय टीम ने मात्र 4 रन से जीता था। तो इस बार भी रिपोर्ट्स के अनुसार हार्दिक पांड्या भारतीय टीम को लीड करने वाले हैं आयरलैंड के खिलाफ, जबकि टीम में संजू सैमसन, ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी समेत कई शानदार यंग खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जाएगा। तो वही रोहित शर्मा भारतीय कप्तान, जबकि विराट कोहली, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी समेत ये सभी बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं खेलने वाले, इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे।